हमारा आंदोलन पीसफुल है, हम तो वायलेंस कर ही नहीं रहे, वो हमारे पर हम वायलेंस कर रहे हैं। जो भी आवाज उठाने की कोशिश करेगा उस आवाज को ये सरकार कुचलने का प्रयास करेगी, उस आवाज को ये दबाने का प्रयास करेगी। हमें अपने देश की जो न्याय प्रक्रिया है उस पे भरोसा है और सरकार को आज नहीं तो कल न्याय के लिए और जांच के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम हरियाणा में सोनीपत रेलवे स्टेशन पे हैं, जहां किसान आज पटरियों पर उतरे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि उन्होंने पटरियां पूरी तरीके से जाम कर दी हैं ताकि रेलवे का कोई भी यातायात जो है वो ना हो पाए। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी में जो हिंसा की घटना हुई थी उसके बाद में पूरे देश में 18 अक्टूबर को रेल रोकने का आह्वान दिया था। इसी के तहत जो है किसान हजारों की संख्या में अलग अलग स्टेशनों पे देश में उतरे हैं। हम अभी यहाँ पे सोनीपत में हैं, यहाँ पे हमने कुछ किसानों से बातचीत की है और उनसे जो ये बातचीत हुई है वो स्पष्ट तौर पर बता रही है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनकी ना तो बर्खास्तगी हुई है और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसके कारण वो काफी गुस्से में हैं और वो जब तक इनकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन को तेज करने के लिए जारी करने के लिए संघर्षरत रहेंगे। देखिए, इसका पॉलिटिकल मैसेज ये है कि जो वर्तमान सरकार है वो गुंडों का साथ दे रही है, गुंडों मवाली जैसे भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को पनाह दी जा रही है। हम तो ये कहते हैं कि ये जो पूरा हत्याकांड हुआ ये 3 तारीख को नहीं, इसकी शुरुआत 25 तारीख को हुई थी, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने ये कहा था कि मैं विधायक, सांसद और मंत्री बनने से पहले क्या था ये सब लोग जानते हैं। क्या थे उससे पहले? वो तस्कर थे, आज भी तस्करी करते हैं। क्या थे उससे पहले? वो गुंडागर्दी करते थे, अपहरण जैसे मुकदमे, हत्या जैसे मुकदमे, 4 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे थे। तो एक बात ये समझने की है कि मोदी सरकार के मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा करना है, वो इस बात को कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो गुंडे थे। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? यदि उस समय केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लेके उनके ऊपर कार्रवाई की होती कि भाई आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, यदि उस समय उनको बर्खास्त किया होता तो शायद उनके ये 3 तारीख को इस तरह के हत्याकांड को अंजाम ना दिया जाता। तो जो इसका मैसेजिंग है वो साफ है, किसान ने तो आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया बहुत भारी और ये देश को तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ एक समुदाय को आगे ले जाना चाहते हैं। उसमें भी जो धनाढ्य हैं, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके सारे से देश चला, ऐसे देश नहीं चलता। आधा हमारी फसल बर्बाद होगी, सारी हमारा सब बर्बाद हो गया, बाड़ी सारी खराब होगी, हमारा धान सारा खराब हो गया इसमें, लेकिन सरकार ने एक पैसा भी मुआवजे का आज तक नहीं दे लिया। और ये आगे बुआई कैसे होगी? पानी खड़ा है खेतों में, यूरिया डीएपी नहीं, डीएपी का आज ये अखबार में है, कहीं है ही नहीं। अब गेहूं की बुआई करानी है, यूरिया कहीं है ही नहीं, डीएपी नहीं है, बताइए। अब ब्लैक में जा रहा है। तो ये सरकार जो है, ये सरकार किसान विरोधी है, आम जनता विरोधी है। जो भी आवाज उठाने की कोशिश करेगा उस आवाज को ये सरकार कुचलने का प्रयास करेगी, उस आवाज को ये दबाने का प्रयास करेगी। देखिए, हमें सरकार से चाहे उम्मीद ना भी हो, लेकिन अपने जो देश में लोकतंत्र है और हमारा जो संविधान है उस संविधान के दायरे में हमारा देश की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं चलती हैं और न्याय सबसे सर्वप्रिय प्रक्रिया है हमारे संविधान की। तो हमें अपने देश की जो न्याय प्रक्रिया है उस पे भरोसा है और सरकार को आज नहीं तो कल न्याय के लिए और जांच के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। और हम जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो ये राजशाही है और जो सरकार के दिमाग में ये फीड हो गया है कि हम तानाशाही करके लोगों के दिमाग में हत्या का डर बिठा करके उनको घरों के अंदर हम कर सकते हैं, तो ये सरकार का वहम है। चाहे अम्बाड़ा की घटना ले लो, चाहे करनाल की घटना ले लो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट ले लो, ये बड़ी दुर्भाग्य की बातें हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को, इनको भगवान शुद्ध बुद्धि दे और इस टकराव से बचे और बीच का रास्ता निकालें। और किसान एक ऐसा हमारे हिंदुस्तान का मजदूर और किसान ऐसा वो है जो इसका निर्माण करते हैं, हिंदुस्तान का निर्माता ये है, ना कि नेता है। न्याय की बात तो ये थी
कि भाई जब हम जिस कानून को किसान चाहता ही नहीं है और वो किसान के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, पार्लियामेंट का उल्लंघन किया जा रहा है, कहीं जो ना पार्लियामेंट में उसका प्रस्ताव पास नहीं करा, अध्यादेश ले आके ने और उसको कानून में जो है ना परिवर्तित किया जा रहा है, और दिन प्रतिदिन जो है ना किसान विरोधी मजदूर विरोधी कानून लेके इससे साफ जाहिर है कि भाई ये लोग तानाशाही है, और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कब तक चलेगी?